नमस्कार आप सभी को। आज हम जेड प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरा जेड का प्लांट काफ़ी बड़ा हो गया है और जो इसका ट्रंक है ये भी काफ़ी थिक हो गया है। देखिए आप लोग, काफ़ी टाइम हो गया मुझे ये लगाए हुए, 3 साल के आसपास। तो इसका जो ये ट्रंक है ये भी काफ़ी थिक हो गया है टाइम के साथ साथ। और एक और प्लांट भी आ गया है साइड में, उसकी भी ग्रोथ आ गई है। आप दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए एक और प्लांट आ गया है। तो और इसका जो स्टेम है वो भी काफ़ी थिक है। तो हम इन दोनों को ही डिवाइड करके अलग अलग पॉट में लगा के दो प्लांट बना सकते हैं बोनसाई वाले बहुत इजीली। लेकिन अभी ये टेम्परेचर ठीक नहीं है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। वैसे तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है इस प्लांट पे टेम्परेचर का, बट स्टिल हम प्रिकॉशन लेते हुए अभी इसको रिपोर्ट नहीं करेंगे। मौसम थोड़ा ठीक हो जाएगा उसके बाद इसकी रिपोर्टिंग कर देंगे और तब मैं आपसे ये भी शेयर करूँगी कि हम कैसे इसको बोनसाई में डेवलप कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स हमको याद रखने चाहिए, ये सब मैं आपसे उस वीडियो में डिस्कस करूँगी। सो आज सिर्फ हम इतनी बात करेंगे कि इसका जो ये स्टेम है इसको ठीक कैसे करें। तो जो पर्सनली मैंने चीज़ें ध्यान में रखी वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। जैसे पहला काम मैंने किया वो था 10 से 12 इंची पॉट में अपने ये जो जेड का प्लांट था इसको लगा दिया। और ऐसा पॉट आप चूज़ करें जिसकी डेप्थ ज़्यादा ना हो, क्योंकि इसकी रूट्स इतनी ज़्यादा नहीं जाती, नैरो रूट्स होती हैं क्योंकि सक्यूलेंट फैमिली का प्लांट है। तो इसको मतलब डेप्थ नहीं चाहिए इतनी गमले में, तो आप कम डेप्थ वाला गमला लें ताकि अपने रूट सिस्टम को जल्दी से डेवलप करके फिर अपनी पूरी एनर्जी शूट डेवलप करने पे लगाए और जो इसका ट्रंक है उसको डेवलप करने पे लगाए। सो इस बात का ध्यान रखना और ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि आप ज़्यादा डेप्थ वाला गमला ना लें और उस प्लांट को फिर 2-2.5 साल के लिए रख दें तो आपका स्टेम थिक हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और बोनसाई के लिए अगर इंस्टेंटली थिक स्टेम चाहिए तो वो कैसे करें वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी, लेकिन वो इस वीडियो में नहीं, वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और बोनसाई को कैसे डेवलप करें वो भी। और जो दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है इसका फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र के लिए आप 1 चम्मच बोन मील, 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप काउडंग भी यूज़ कर सकते हैं, और 5-6 ग्रैन्यूल्स DAP के डाल दें अपने पोट में तो ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ करेगा स्टेम्प। तो ये खाद रामबाण है, आप इसको मान के चलिए कि बहुत अच्छा रिजल्ट देगा ये। आप एक बार ट्राई करिए, मैंने भी किया था। और उसके बाद आप इसको प्रॉपर धूप में रखिए क्योंकि अभी विंटर्स हैं तो धूप इतनी नहीं निकलती है, तो इसीलिए इसको 3 से 4 घंटे की तो मिनिमम धूप चाहिए अच्छी ग्रोथ के लिए अभी के टाइम। और सक्यूलेंट प्लांट है तो पानी की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, पानी तभी दे तब आपको मिट्टी सूखी दिखे एकदम, उससे पहले ना दे वरना प्लांट खराब होने लग जाएगा। सो यही कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रख के आप अपने जेड के प्लांट को थिक और हेल्दी बना सकते हैं। सो आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।